नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंट्रोल। पलामू थाना क्षेत्र के भटवरिया गांव में कुछ असामाजिक तत्वों ने भोला तिवारी के घर पर जानलेवा हमला करते हुए मारपीट और लूटपाट की। विदित हो कि कुछ दिन पहले भोले की जमीन पर गांव के असामाजिक तत्वों ने जबरन कब्जा की नियत से ऐसी घटना को अंजाम दिया। महिलाओं, बच्चों व घर के सभी सदस्यों के साथ मारपीट के बाद जबरन घर में घुसकर सुबह 8 बजे हमला बोला और बक्से में रखे पैसा गहना लूट लिया और जान से मार देने की धमकी दी। बेटी के साथ भी बदसलूकी और मारपीट की। मारपीट करने वालों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। मौके पर पीड़ित परिवार ने कहा कि दबंगों ने जमीन पर जबरन कब्जे के उद्देश्य से जान से मारने की धमकी दी है। हम लोग सुरक्षित नहीं है। प्रशासन भी इस मामले में मौन है, जबकि थाने को पहले भी सूचना दी जा चुकी है। आप लोग जो मैटर लड़ा झगड़ा के हुआ, वो क्या चीज का लेकर, मतलब कैसे क्या हुआ, किससे हुआ? जमीन विवाद के लेकर के हम लोग के मैटर जो है सो झगड़ा हुआ। पहले हम लोग जमीन पर पहुंचा, अपने झोपड़ी बनाया था उसमें आग लगा करके, और आग लगाने के बाद जो है सो वहां से हमारे घर के पास चला आया, और आने के बाद हम लोग पूरे सदस्य को घर से बाहर निकाल करके और खींच खींच करके मारने लगा, दरवाजा तोड़ दिया, बक्सा वक्सा लेकर के सब भाग गया। पता नहीं क्या क्या ले गया, हम लोग तो बाहर में सब पड़े हुए थे, जिसमें कि हम लोग का देखिए जाए चोट भी लगा है। इस लड़का से देखिए सब मिल करके चार चार छः छः आदमी जो है तो टांग करके और ले जा रहे थे कि उसी आग में डाल देंगे। वो मतलब कौन कहाँ के थे? ग्राम भटवलिया के सुदेशर राम वगैरह पूरा परिवार था, पूरे हरिजन का 50-60 के संख्या में सब लोग थे, शस्त्र के साथ में सब थे, टांगी कुदारी लिए थे, पिस्टल लिए थे। रहते थे, आपका जमीन है? वो जमीन मेरा है, मेरा खतियानी जमीन है। इसका केस जो है सो एसी केस में कोर्ट में अभी चल भी रहा है।